प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछले दौर में जब कोई चीज़ बनाई जाती थी, कोई ज़रूरत की चीज़ बनाई जाती थी, तो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरना पड़ता था। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, फिर रिटेलर के पास से कंज्यूमर ख़रीदता था। कभी कभी तो कंज्यूमर भी डायरेक्ट नहीं, कस्टमर ख़रीदता था, कस्टमर से कंज्यूमर तक पहुंचता था। इसके बाद एक दौर आया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग एरा, डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक या कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचता है। इसके कई बेनिफिट्स हैं, जहाँ कई बेनिफिट्स हैं थोड़े खदशात भी हैं, थोड़े खतरात भी हैं। मगर चूंकि हिंदुस्तान में ये तकरीबन 2 दहों से ज़्यादा हो गए डायरेक्ट मार्केटिंग आने के, बहुत सारे जो है तब्दीलियां आए हैं, बहुत सारी मार्केटिंग के कंपनियां आए हैं, मैन्युफैक्चरर्स आए हैं, उसी के साथ साथ उनके तरीक़ेकार में भी तब्दीलियां आती गई हैं। अब तो यह है कि हुकूमत तेलंगाना ने भी इसको संजीदगी से लेने लिया लगा है और इसको फ़रोग देने के लिए अपने तआवुन की भी बात कर दिए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमने आज दावत दी है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जनरल मैनेजर जनाब चेतन भरद्वाज को। चेतन भरद्वाज साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू सो मच अमजद साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर तेलंगाना डायरेक्ट सेलिंग सम्मेलनम 2021 अ ग्रेट सक्सेस। या इट वाज अ रियली वंडरफुल इवेंट। थैंक यू। हाँ, मैं आप सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, आम आदमी को जो नहीं मालूम है उसको कैसे समझना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। जी, आई थिंक अमजद जी आपने अपना इंट्रो में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग का, सो मैं उसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा था, देखिए, एक टिपिकल रिटेल सप्लाई चेन जिसे हम कहते हैं, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से मूव करके कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, इसे हम इकोनॉमी की भाषा में सप्लाई चेन कहते हैं। एक ट्रेडिशनल रिटेल सप्लाई चेन में आपके एक एंड पे होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जाता है होलसेलर, होलसेलर से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है रिटेलर, और रिटेलर से जाता है कंज्यूमर। अब इन हर स्टेज पर जो इंटरमीडियरी है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे रिटेलर है, उसका एक सर्टेन मार्जिन प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होता जाता है। इस तरह से जब फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉस्ट में तकरीबन 40-50 या इससे भी ज्यादा परसेंटेज है कॉस्ट का, वो ऐड हो जाता है और कंज्यूमर को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट से कुछ ज्यादा कीमत पे मिलता है। दिस इज हाउ रिटेल इंडस्ट्री वर्क्स एवरीवेयर। जी, डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये रिटेल इंडस्ट्री की तरह ही वर्क करता है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच जितनी इंटरमीडियरीज जिसे हम बोलते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, हम इनको हटा देते हैं, हम इनको अपने डायरेक्ट सेलर से रिप्लेस करते हैं। सो आप इसको अगर आसान शब्दों में कहें तो हमारे इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलर जो हैं वो हमारे होलसेलर भी हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, वो हमारे रिटेलर भी हैं। वो बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर तक सीधा पहुंचाने एक आसान तरीके से, ताकि कंज्यूमर का भी फायदा हो, मैन्युफैक्चरर का भी फायदा हो और उनका खुद का भी एक बिजनेस डेवलप हो। ठीक है, जिस तरह से आम जो सेलिंग होती है उसके लिए स्किल्स होते हैं जी, एक सेलर को सीखना पड़ता है कि सेलिंग कैसे करें, ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलर को भी सीखना पड़ता है, तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? जी सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो एक विशेषता है कि यहाँ पर भी आप बिना किसी स्किल के या बिना किसी एक फॉर्मल एजुकेशन के आप आ सकते हैं, आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर देखिए, स्किल की इम्पोर्टेंस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। एक अनस्किल्ड आदमी और एक स्किल्ड आदमी, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, हमेशा एक स्किल्ड आदमी जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाता है। डायरेक्ट सेलिंग भी इसमें कोई अलग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपने इन हाउस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती हैं, जिसमें वो अपने डायरेक्ट सेलर्स को बताती हैं कि आपको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट अपने कंज्यूमर्स तक किस तरह से पहुंचाने हैं, आपको अपनी कंपनी के बारे में किस तरह से अपने कंज्यूमर्स को बताना है,
और स्किल डेवलपमेंट को ही आगे बढ़ाते हुए आईडीएससी ने भी इस दिशा में हाल ही में काफी स्टेप्स लिए हैं। हमने भारत का प्रथम सर्टिफिकेट कोर्स इन डायरेक्ट सेलिंग, स्किल डेवलपमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग हमने स्टार्ट किया है। इसके अलावा मेरे को आपके व्यूअर्स से शेयर करते हुए बहुत खुशी है, हमने भारत का प्रथम और एशिया का प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग भी स्टार्ट किया है। तो ये अपने तरीके का विश्व में केवल दूसरा ही प्रयास है जिसमें कि एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग के तहत दिया जा रहा है। ये आईडीएसए और हिमाचल प्रदेश में सोलन एक जगह है, वहां स्थित शूलिनी यूनिवर्सिटी और आईडीएसए ने मिलकर इस डिप्लोमा को लॉन्च किया है। और 2021-22 जो होगा वो इस डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट बैच होगा। मुझे अगेन बताते हुए बहुत खुशी है, 30 सीटों में से हमारे पास लगभग सारी सीटें भर चुकी हैं। बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है, लोग फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री में ज्यादा कामयाब होने के लिए हमेशा बेहतर रहेगा अगर एक फॉर्मल स्किल ट्रेड से रिलेटेड उनके पास रहे। ओके, अब मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह के एक नॉर्मल सेलर के स्किल्स होते हैं उससे डायरेक्ट सेलर को ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है या सेम है? नहीं हमजद जी, देखिए स्किल्स सेलिंग में जो होती हैं, देखिए आपको डिपेंड करता है आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, किस डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं उसका प्रोडक्ट बहुत टेक्निकल नेचर का है, जिसको समझने के लिए शायद वो एक कोई इनोवेशन है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है आपको उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक बेसिक एक्यूमेंट चाहिए होगा। अगर वो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, तो आपको उसको समझने के लिए वो एक्यूमेंट चाहिए, वो साइंस की एक बेसिक समझ चाहिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस स्किल को गेन नहीं कर सकते। आप अपने काम चलाऊ जो स्किल सेट है, आपका बेसिक लोगों से बात करने का तरीका क्या है, आपका बेसिकली अपने आप को कैरी करने का तरीका क्या है, ये एक जनरल है। हाँ, जॉब से रिलेटेड या आपकी कंपनी से रिलेटेड एक कोई स्पेसिफिक स्किल सेट है या टेक्निकल स्किल जो आपको चाहिए, वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको अपने ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन के प्रोग्राम्स के थ्रू देती है, एंड पीपल आर एबल टू डू इट। ठीक है, आप लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश में, गालिबन इसका जो है कैंपस है, तो इनटेक काफ़ी कम है, हजारों की तादाद में डायरेक्ट सेलर्स मौजूद हैं, तो किस तरह से आप ये डिमांड को कैटर करेंगे? जी अमजद जी, ये एक केवल शुरुआत है, ये एक फर्स्ट स्टेप है, एंड आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि इफ यू टेक द फर्स्ट स्टेप योर हाफ ऑफ द जर्नी इज ओवर। सो वो एक फर्स्ट स्टेप हमने लिया है, हिमाचल में हम लोगों ने शुरू किया है, बट हम इसको जल्दी पूरे भारत में प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे बातचीत काफी यूनिवर्सिटीज से चल रही है जहां हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को शुरू कर सकें। हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग शायद देश में प्रथम था जिसने इसको अप्रूवल दिया, बट यस, आने वाले समय में, अगले 6 महीने से 1 साल में आप देखेंगे कि देश की विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। जी, आपके इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए तेलंगाना की गवर्नमेंट क्या जो है कॉपरेशन कर रही है? जी, तेलंगाना की जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मददगार वो रहे हैं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन जी जो हैं, ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ द इंडस्ट्री। कभी भी हमें कोई इशू आया है एंड वी आर रिक्वेस्टेड फॉर अ मीटिंग, हमें इमीडिएटली टाइम दिया गया है अपनी समस्याएं रखने के लिए, एंड हिज ऑफिस हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑलवेज प्रोवाइड अस अ सॉल्यूशन, प्रोवाइड अस अ गाइडेंस कि आप इस तरह से कीजिए। एंड जैसा कि आज इवेंट में भी प्रकाश राव जी ने कहा था, तेलंगाना वॉज द थर्ड स्टेट इन इंडिया जिसने सेंटर की, केंद्र की जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस थी उसके बेसिस पे, उस मॉडल के आधार पर अपना स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू करी थी। एंड दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट, दे आर कीन टू प्रमोट द इंडस्ट्री इन द स्टेट, एंड यस, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड द फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, दे आर सपोर्टिंग अस इन ऑल पॉसिबल मैनर्स, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ ग्रेट फ्यूचर इन तेलंगाना। ओके, आपका जो कोर्स है वो कोर्स तेलंगाना में स्टार्ट करने के लिए इस तालुक से बात की आपने? जी, जैसा मैंने बताया अभी, मैं खैर आपसे पूरी डिटेल तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट हमारी बात चल रही है देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से कि सिमिलर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या एक ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम शुरू किया जाए डायरेक्ट सेलिंग के जानिब से, तो आपको जल्दी ही हम इसकी भी अपडेट देंगे। देर आयत दुरुस्त आयत, आप लोगों का जो एकदम है ये बहुत अच्छा है,
हालांकि 20 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, मगर स्पेसिफिक कोर्स उसका अभी तक शुरू नहीं किया गया था। जी देखिए, इसमें क्या होता है अमजद जी, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में आज शायद 26 साल हो गए हैं। 1996 से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी इंडिया में, तो ये 25वां वर्ष है और ये IDSA का भी 25वां वर्ष है। IDSA भी 1996 में ही संस्था बनाई गई थी। तो एक स्टेप बाय स्टेप एक डेवलपमेंट होती है सर किसी भी इंडस्ट्री की। अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आप देखिए, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, पर हाल ही में शायद पिछले कोई 6-7 या 7 साल से इंश्योरेंस स्पेसिफिक भी अब एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। ये चर्चा IDSA में काफी समय से थी कि एक पर्टिकुलर ट्रेड या एक स्पेशलाइज्ड, अगली हमें अगली पीढ़ी के डायरेक्ट सेलर्स अगर तैयार करने हैं तो वी इम्पार्ट देम द करेक्ट एजुकेशन आल्सो। तो डायरेक्ट सेलिंग का एक एडवांटेज तो ये है कि यहाँ बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के भी या एक बेसिक एजुकेशन के भी आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बट अगर एक ट्रेंड स्किल्ड इंसान डायरेक्ट सेलिंग शुरू करेगा तो वो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू एक्सेल और वो शायद बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो इन्हीं सोच के साथ ये हमने प्रयास किया है। टोटल सेल्स ऑफ इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है प्रेजेंटली? जी मैं टोटल सेल्स ऑफ इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कितना जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वर्ष 2019-20 में, जैसा कि आज सर्वे में हमने बताया, 16,776 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रॉस टर्नओवर रहा है, जिसमें से तेलंगाना रफली 500 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के आसपास, 292.5 करोड़ एग्जैक्ट तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन है। जी परसेंटेज कितना हुआ ये सेल्स का? जी तेलंगाना का पूरे भारत की सेल में तकरीबन 1.3% शेयर है, और साउथ का जो रीजन है जिसमें आपका तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका आता है, इसमें तेलंगाना का तकरीबन 13% का शेयर है। तेलंगाना काफी अच्छी तरक्की कर रहा है इस मामले में। तेलंगाना काफी अच्छी तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में तेलंगाना निश्चय ही ओवरऑल इंडिया की सेल्स में भी काफी तेजी से अपनी पहचान बनाएगा। जी कितना सेल्स फोर्स इसमें इन्वॉल्व्ड है डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया और तेलंगाना में? जी पूरे भारत में 74 लाख से ज्यादा इस समय डायरेक्ट सेलर्स हैं जो कि एक्चुअली अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ जुड़े हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इस 74 लाख में तकरीबन 51% मेन है और तकरीबन 49% के आसपास हमारी वुमेन डायरेक्ट सेलर्स हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में तकरीबन 90,000 से कुछ ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स हैं जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं एक्टिवली फुल टाइम। ओके नए कोई अगर डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं तो उनके लिए मोटिवेटर्स क्या हैं? जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट या किसी फाइनेंशियल बैकिंग की जरूरत नहीं है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, जो भी कंपनी आपने शॉर्टलिस्ट करी है उसके बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी लीजिए। इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समय बताना है उस कंपनी के बारे में जानकारी लेने के, एंड आई एम श्योर आप कामयाब होंगे इसमें। क्या क्या इंडिकेटर्स है जो ये कहते हैं कि ये कंपनी ज्वाइन करने के लायक है? जी देखिए, भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस इशू करी थी, जिसकी कॉपी आज भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। IDSA की वेबसाइट IDSA.co.in पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने भी, जैसा मैंने बताया, 2017 में केंद्र के मॉडल के बेसिस पे अपना स्टेट स्पेसिफिक मॉडल लगाया था, उसकी कॉपी भी IDSA की वेबसाइट पे मौजूद है। आप उन गाइडलाइंस को अगर पढ़ेंगे तो आपको उस गाइडलाइंस के अंदर क्लियर पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि एक जेन्युइन या लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किस तरह से ऑपरेट करती है, कौन कौन से पॉइंट वो उनको अलाउड है करना और क्या उनको अलाउड नहीं है करना। सो जो भी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप IDSA की वेबसाइट पे आइए, वहां पर केंद्र की गाइडलाइन, स्टेट की गाइडलाइन सब मौजूद है, डाउनलोड कीजिए, उन्हें पढ़िए अच्छे से। कुछ समझ में नहीं आता आप IDSA को ईमेल लिखिए, हम पूरे कोशिश करेंगे आपको आपके सवाल का जवाब देने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आखिरी सवाल ये कि
कंट्रीब्यूटर्स की हमने बात की है, इंडिकेटर्स की बात की है, उसके बाद मैं ये आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से माइंड में सवाल स्किप हो गया है। नियर फ्यूचर में आप डायरेक्ट सेलिंग में कितनी ग्रोथ महसूस करते हैं, कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए अमजद जी, ग्रोथ इंडस्ट्री की जैसा कि हमने बताया, पिछले 4 साल में इंडस्ट्री जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम बात करें तो 18% के आसपास की CAGR से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। लास्ट 1 साल की बात करें तो तकरीबन 25% से ज्यादा की इंडस्ट्री में ग्रोथ दर्ज हुई है। पेंडेमिक के टाइम में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की अगर हम बात करें, इसके पहले 6 महीने में यानी कि अप्रैल 2020 से लेके सितंबर 2020 तक IDSA ने अपने सर्वे में ये पता करने की कोशिश करी कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर पेंडेमिक का क्या असर रहा या कितना प्रभाव पड़ा। तो सर्वे में एक बात जो निकल के आई कि पेंडेमिक के प्रथम 6 महीने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने तकरीबन 5% के हिसाब से ग्रो करा है, जो कि पेंडेमिक के देखते हुए एक बहुत ही एनकरेजिंग फिगर है। सो 2019-20 में टोटल इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी रही ये तो खैर दिसंबर में पता चलेगा जब हम 2019-20 की रिपोर्ट को जारी करेंगे, बट वी आर वेरी होपफुल दैट डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया इज गोइंग टू ग्रो वेरी रैपिडली, और विश्व में भी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, वो बहुत तेजी से अपनी एक पहचान बना रहा है। आज प्रेजेंटेशन में भी हमने इवेंट में देखा था, वर्ष 2018 में जो भारत की रैंक थी विश्व में, भारत 19वें पोजीशन पे था। अगले ही साल वर्ष 2019 में भारत की रैंक 15वीं हुई, अगले साल 2020 में भारत की रैंक 12वीं हुई, और हमें पूरी उम्मीद है कि पेंडेमिक के टाइम जो हमारा रिजल्ट दिसंबर में आएगा, भारत टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो चुका है। खास बात यह है कि विश्व की जो टॉप 20 डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीज हैं उनमें इंडिया की CAGR या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट वो सबसे ज्यादा है, और इंडिया जो है सबसे ज्यादा पायदान से जंप कर रहा है जी। 18 से 19 में इंडिया ने 4 पायदान की जंप लगाई, 19 से 20 में इंडिया ने 3 पायदान की जंप लगाई, सो वी आर वेरी होपफुल। और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को नोटिफाई करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है, एक बार रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे तो आप देखिएगा काफी इंटरनेशनल कंपनीज जो अभी शायद इंडिया में एंटर नहीं हुई है, दे विल ऑल्सो कम, दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया, और हो सकता है उनमें से काफी तेलंगाना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगाएं, अपने प्रोडक्शंस लगाएं, वेयर हाउसेस लगाएं, जिससे तेलंगाना में एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा और स्टेट को भी फायदा होगा। ठीक है मिस्टर भरद्वाज, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच अमजद जी, प्लेजर इज ऑन माइन। नाज़रीन, ये थे जनाब चेतन भरद्वाज, जनरल मैनेजर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ताल्लुक से बहुत तफसील से बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया। मुझे उम्मीद है ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं और वो कुछ ना कुछ करके पैसा कमाना चाहते हैं तो बगैर इन्वेस्टमेंट के इस में जो है इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तेलंगाना हुकूमत भी सपोर्ट कर रही है, इसको सीखने के लिए कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं और कोर्सेज पूरे इंडिया में फैलाने का प्लान है, बहुत प्रॉमिसिंग है। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इस प्रोग्राम को अपने अहबाब में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।